Hello everyone, namaskar samastinku. Mo naam Priyadarshini Muni ebong mo mara channel PM's Life Sciences ku apan swagat karuchi. So carbohydrate metabolism already upload hei sarichi. So mo asha karuchi ki sei sabu discussions apan ku helpful rahithibo. Bartaman ame dekhiba protein metabolism bisare. Protein kahile gote major macromolecules ko bujhae je ki cell structural complexity maintain karibare help kare, bahut gude functions conduct karibare help kare, ta sahito cell ra bahut gude chemical reactions manakar regulations re madhya proteins manakar kichita major role thae. Khas kar jodi apan nutritional point of view re dekhibe ebam jete sabu chemical reactions achi sei point of view re jodi dekhibe, then proteins manakar major contributions thai, because bahut gude emti reactions achi jo mane ki through enzyme carried out huanti ebam without enzyme chemical reactions ko properly maintain kariba, semananku properly operate kariba bahut hi beshi difficult hai jai thai. So jete sabu enzymes mane achhendi they by nature they are protein. So functional regulation wise and nutritional regulations wise amaku protein ra metabolism bahut hi beshi help kare to maintain the in a balanced condition inside the cell or the tissue or the organ. तो हमें देखिबा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बिसरे सो प्रोटीन कहले हमें गोटे प्रकार रो पॉलीमर्स को बुझे थौ जोथरे की बहुत उडे अमाइनो एसिड्स माने एसोसिएट हे की रहिथांदी बाय द पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स. तो जदि आपण इथि अमाइनो एसिड रो गोटे स्ट्रक्चर देखिबे तो गोटे साइड रे आपण को अमाइनो ग्रुप मिलिबो किबा अमीन ग्रुप पेली कहा जे एवं आ गोटे साइड रे आपण को कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलिबो, देन गोटे साइड रे आपण को हाइड्रोजन मिलिबो एवं आ गोटे आपण को फंक्शनल ग्रुप मिलिबो. फंक्शनल ग्रुप वैरी करे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड. साधारणतः यदि अपन अमाइनो एसिड को देखिबे देन टोटल 22 अमाइनो एसिड वर्तमान जाए माने आइडेंटिफाई हे छथि जो माने कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करिवार हेल्प करंती. आउ किछटा अमाइनो एसिड अछन जो माने कि प्रोटीन सिंथेसिस रे इन्वॉल्व होंती नै, बट स्टिल देयर आर सम अमाइनो एसिड्स आर देयर. स्पेसिफिकली प्रोटीन्स मान संगरे जो माने इन्वॉल्व थांती प्रोटीन को सिंथेसाइज करिवार जो माने इन्वॉल्व थांती सेम थरे अपन को 22 कैटेगरी आसी जिवो. तो जेते सब अमाइनो एसिड्स माने अछंती अमाइनो एसिड्स मानकर कॉम्बिनेशन हो लाइक दे गेट एसोसिएटेड विथ ईच अदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड एंड अल्टीमेटली दे प्रोड्यूसेस द पॉलीपेप्टाइड, देन पॉलीपेप्टाइड रु आपन को प्रोटीन्स मिल जिवो. तो जेते बेला हमें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कहू छे किबा प्रोटीन रो फॉर्मेशन प्रोसेस हला किबा प्रोटीन रो ब्रेकडाउन प्रोसेस हला, बिकॉज़ मेटाबॉलिज्म बिषय रे आपन को एनाबॉलिज्म भी देखिया रहै छी, कैटाबॉलिज्म भी देखिया रहै छी, जोटा कि कार्बोहाइड्रेट टाइम रे इंट्रोडक्शन रे मो से सब जिंस डिस्कशन करि सारि छी. सो हमें एमिति किछि एक्टिविटीज देखिबा, हमें प्रथमे किछटा प्रोसेसेस देखिबा जोथरे कि अमाइनो एसिड्स मानकर फॉर्मेशन हुए दैट रिप्रेजेंट्स द एनाबॉलिज्म प्रोसेस. एवं नेक्स्ट पार्ट रे हमें देखिबा अमाइनो एसिड्स मानकर ब्रेकिंग डाउन जोथरे कि हमें कैटाबॉलिज्म देखिबा. तो जेते बडे बॉडी रो रिक्वायरमेंट थाय, सेल रो रिक्वायरमेंट थाय, टिश्यू रो रिक्वायरमेंट थाय, तो अमाइनो एसिड्स मानकर सिंथेसिस हुए एंड अल्टीमेटली प्रोटीन्स मानकर सिंथेसिस हबो. जेते बडे दरकार नाही तो अमाइनो एसिड्स मानकर कैटाबॉलिज्म हुए, से मानकर ब्रेकिंग डाउन हुए, तो अल्टीमेटली से माने इंडिविजुअल पार्ट्स मानकर कन्वर्ट हे जांती. तो अमाइनो एसिड रो खास करके जदि अपन ए पूरा स्ट्रक्चर को देखिबे, गोटे अमाइनो एसिड्स को बनेबा पई हमको माने मेजरली जो पोर्शन दरकार, नंबर 1 इज अ नाइट्रोजन एंड नंबर 2 इज अ कार्बन. तो कार्बन एवं नाइट्रोजन ए दुईटा रहिले एसेंशियल पार्ट जो मानक बिना आम अमाइनो एसिड को तैयारी करि परिबा नाही. एवं ए दुईटा पोर्शन को पाइबा पे एमते बहुत गुडे कंपोनेंट्स माने अछंती, बहुत गुडे इंटरमीडिएट्स माने अछंती जो माने कि कंट्रीब्यूट करंती निजर केमिकल कंपोनेंट्स मानक को, फंक्शनल ग्रुप्स मानक को, अमीन ग्रुप्स मानक को ट्रांसफर करै थांती, रिप्लेस करै थांती, जहा द्वारा गोटे पर्टिकुलर अमाइनो एसिड सिंथेसाइज हे परिबो. अल्टीमेटली से अमाइनो एसिड्स मानकर फर्दर केमिकल रिएक्शन रे से माने ऐड अप हे कि अलगा अमाइनो एसिड्स मानक को तैयारी करंती. तो मेजर स्पेसिफिकली जदि हमें एटा देखिबा कि अमाइनो एसिड रो सिंथेसिस रे हमको दुटा जिंस ऊपर फोकस करियार अछि, गोटिया रहला हमर नाइट्रोजन रिसोर्सेस जोथरे कि हमको नाइट्रोजन मिलबो अमाइनो एसिड्स को बने आपि, ता संगे हमको दरकार कार्बन रो रिसोर्सेस, बिकॉज़ कार्बन एवं नाइट्रोजन रो रिसोर्सेस जदि हम पाखरे अवेलेबल अछि देन जाके हमें अमाइनो एसिड्स को बने दे परिबा. एथिरे आपनकर डोनर्स माने भी अवेलेबल अछंती, रिस एक्सेप्टर्स माने भी अवेलेबल अछंती, डिटेल डिस्कशन हमें करिबा फर्दर स्लाइड्स रे. तो जदि आपण प्लांट्स एवं माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानक केस रे देखु चंदी, सो दिस दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑल काइंड ऑफ अमाइनो एसिड, दे कैन प्रोड्यूसस द ऑल काइंड ऑफ अमाइनो एसिड, बट व्हेन इट कम्स टू एनिमल्स और स्पेसिफिकली आपण जदि मैमल्स मानक देखिबे, ताहाले मैमल्स मानक केस रे किछि अमाइनो एसिड को माने तयार करि पारंती, माने बॉडी पाखरे कैपेसिटी अछि किछि अमाइनो एसिड को तयार करि पारो, जोथरे कि आपणकर टोटल 12 टा अमाइनो एसिड आसी जेबो. दे आर नोन एज द नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, बिकॉज बॉडी हैज द ऑल द एबिलिटी टू प्रोड्यूस दिस अमाइनो एसिड्स एंड देर आर सर्टन अदर अमाइनो एसिड्स आर देयर जो मानक
एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोली कहा जाए एवं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मानक एसेंशियल एथिपै कहा जाए बिकज बॉडी से मानक सिंथेसाइज करिवार कैपेसिटी नहीं बॉडी पाखरे तो हमको बाहर से सब अमाइनो एसिड्स मानक प्रोवाइड करिवाक पड़े जत्ते सब अमाइनो एसिड्स आपण देखि जंदे तो ता भितरे कोटे मेजर की कंपोनेंट रहला नाइट्रोजन एवं ए नाइट्रोजन टी मिले कोठ अमोनियम पाखरु तो अमोनियम कंपोनेंट रहला जोटा की एक्ट काम करे एज अ सोर्स फॉर नाइट्रोजन फॉर ऑल द अमाइनो एसिड्स जत्ते सब अमाइनो एसिड्स अछंदे समस्तिंग पाखरे अमीन ग्रुप थाए एवं से सब अमीन ग्रुप को मेंटेन करबा पई हमको नाइट्रोजन दरकार एवं से नाइट्रोजन प्रोवाइड करे की अमोनियम पाखरु तो जेते बळे अमोनियम ऐड हुए माने धरि दियंतु गोटे प्रकार रो केमिकल कंपोनेंट अछि जेते बळे आपण कर अमोनियम ग्रुप ऐड हबो खास करकी कीटो एसिड हला किबा अमीनो एसिड हला आमे फर्दर देखिबा तो ए सब जो कंपोनेंट्स माने अछि जेते से जेते बळे अमोनियम ग्रुप ऐड हुए तो से माने कोन करथि अमीनो एसिड को कन्वर्ट हे जांति तो अमीनो एसिड रो प्रथम कैटेगरी लाइक प्रथम अमीनो एसिड किबा आपण कहि दे परिबे कि अमीनो एसिड रो एनाबोलिज्म प्रोसेस भितरे एंट्री करबा पई जो प्रथम रिसोर्सेस टा रहला ताकु कहा जाय ग्लूटामेट किबा ग्लूटामिन तो जत्ते सब अमीनो एसिड अछंती मैक्सिमम अमीनो एसिड्स मानकर बायोसिंथेसिस प्रोसेस ग्लूटामेट पाखरु ही स्टार्ट हुए तो मेजरली ग्लूटामेट एवं ग्लूटामिन बिकज ग्लूटामिन को कहा जाय अमाइड ऑफ ग्लूटामेट सो ग्लूटामेट एंड ग्लूटामिन दे प्रोड्यूसेस द क्रिटिकल एंट्री पॉइंट इनटू द बायोसिंथेटिक्स प्रोसेसेस जत्ते सब अमीनो एसिड्स अछंती समानकर डेवलपमेंट प्रोसेस रे समानकर सिंथेसिस प्रोसेस रे हमको ग्लूटामेट या फिर ग्लूटामिन हे के जिबा को पड़े मैक्सिमम नॉट ऑल बट मैक्सिमम अमीनो एसिड्स एवं से जगह रे ग्लूटामेट एंड ग्लूटामिन दे प्रोवाइड्स द एंट्री पॉइंट इनटू द बायोसिंथेटिक प्रोसेस नेक्स्ट हमें देखिबा जदी केमिति हमें ग्लूटामेट को तयार करि परबा प्रथम जिंस केमिति हमें ग्लूटामिन को तयार करि परबा देन जाके हमें फर्दर एक्टिविटीज को फॉलो अप करि परबा तो जते बळ आपण ग्लूटामेट तयार करछन सपोज धरि दियंतु कोनोसी गोटे बायोसिंथेटिक प्रोसेस रे जेतु हम ऑलरेडी डिस्कशन करि सललेनी कि मैक्सिमम बायोसिंथेटिक प्रोसेस रे आपण को ग्लूटामेट रा आवश्यकता आछ तो प्रथम हमें ग्लूटामेट को बनेबा ग्लूटामेट रे हम एटी देखिबा कोन जदि आपण माने आउटलाइंस देखि परथिबे तो आपण को पाखरे गोटे इंटरमीडिएट रहिछि जहार ना हला अल्फा कीटो ग्लूटारेट एवं आपण को पाखरे अमोनियम ग्रुप रहिछि जोथरे कि आमे जोठि पाखरु आमको अमीन ग्रुप मिलिबो किबा कहि दे परिबे कि जो नाइट्रोजिनस कंपोनेंट टि मिलि जिवो आ ता संगे रहिला आपण को NADPH एवं ए जगह रे जदि आपण देखिबे जो एंजाइम टि रहिला तार ना हला ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस तो जेते बळे आपण अल्फा कीटो ग्लूटारेट एटा गोटे मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट परिका काम करे अल्फा कीटो ग्लूटारेट जे की ग्लूटामेट को सिंथेसाइज करि पारे हमकू हेल्प करे एटा आपणकर टीसीए साइकल रो इंटरमीडिएट साइट्रिक एसिड साइकल रो इंटरमीडिएट तो जेते बळे अल्फा कीटो ग्लूटारेट को आपण अमोनियम देबे अल्टीमेटली आपण को मिलि जिवो कोन ग्लूटामेट एवं एठी आपण एटा भी मन रखिबे कि दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन आपण सिंबल देखि पडथबे रिवर्सिबल रिएक्शन तो जेते बळे अमीनो एसिड्स मानकर सिंथेसिस थाए माने आवश्यकता थाए ग्लूटामेट रो सिंथेसिस हेबा निहाती जरूरी तो ए रिएक्शन रे सिंथेसिस हबो जेते बळे डिग्रेडेशन हेबा दरकार पुण थरे से रिएक्शन टा रिवर्सिबल वे रे काम करिवो तो एक तो आपण ग्लूटामेट बने देले सेकंड रे आपण कोन करिवे ग्लूटामिन बनेबे तो वर्तमान ग्लूटामेट बनि सारला परे ग्लूटामेट रे आपण आउ गोटे अमीनो ग्रुप को जदि मिसै दुचंदी आउ गोटे अमोनियम ग्रुप को जदि मिसै दुचंदी एवं ता संगे रे आपण एटीपी प्रोवाइड करूचंदी बिकॉज़ एटा गोटे एनर्जी यूटिलाइज करबा को पड़े ए जगह रे देन आपण को एठी मिलि जेबो कोन ग्लूटामिन तो ग्लूटामेट रे जदि आपण गोटे अमीन ग्रुप एक्स्ट्रा लगाई देबे देन अल्टीमेटली यू विल गेट ग्लूटामिन दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द अमाइड ऑफ ग्लूटामेट लाइक ग्लूटामिन is also known as the amide of glutamate because once the amine group get attached to glutamate ultimately that entire component will be known as the glutamine enzymes manako katha jodi dekhibe then glutamate ko synthesis karibare apanku darkar glutamate dehydrogenase jete bele ki glutamine ko synthesis karibare jo enzyme darkar pare that is known as the glutamine synthesis तो ए जगह रे आपण को NADPH दरकार पड़ी एठी आपण को ATP गोटे एक्स्ट्रा दरकार पड़ी जे की एनर्जी प्रोवाइड करिवो यदि आपण प्रथम स्टेप को देखिवे तो प्रथम स्टेप टी सब ऑर्गेनिजम्स मानक केस रे हुए एवं खास करके यदि आपण यूकैरियोटिक सेल्स मानक केस रे देखु जंदी ए प्रोसेस टी आपण को माइटोकांड्रिया भितरे हबो माने रखंतु अल्फा कीटो ग्लूटारेट TCA साइकल रो इंटरमीडिएट सो TCA साइकल कोठी हुए साइट्रिक एसिड साइकल कोठी हुए आपण को माइटोकांड्रिया भितरे हुए तो माइटोकांड्रिया भितरे ही ग्लूटामेट सिंथेसिस हेई परबो बिकॉज अल्फा ग्लूटारेट सेठ ही अछि बाहर माइटोकांड्रिया बाहर ग्लूटामेट सिंथेसाइज हेई परबो नाही तो जते बळे अल्फा कीटो ग्लूटारेट अमोनिया माने अमोनिया कंपोनेंट संगे मिक्सड अप हुए अल्टीमेटली इट प्रोड्यूसेस ग्लूटामेट एंड ग्लूटामेट संगे त आउ गोटे अमोनिया ग्रुप आसी मिसि जइबो देन से प्रोड्यूस करबो ग्लूटामिन किछि प्लांट्स मानक केस रे कोन हुए ए ग्लूटामिन टी अगेन अल्फा ग्लूटामेट संगे मिसि कि पूर्ण थरे दुईटा मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूटामेट को तयार करे बट समस्त केस रे ता देखा जाय नि प्लांट्स मानक केस रे ता देखा जाय लाइक ग्लूटामिन
अल्फा ग्लुटामेट संगे मिसिबो एवं आउ थरे ही ग्लुटामेट को बनेबो। तो आम प्रथम देखीदे कि ग्लुटामेट और ग्लुटामिन जिते सब केमिकल मानने अमाइन एसिड रो बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस अच्छा ये सबुति ग्लुटामेट और ग्लुटामिन एम एंट्री पॉइंट प्रोवाइड करती सो दैट कि नेक्स्ट किसीटा जिनसर आडिशन हम किसीटा जिनसर रिप्लेसमेंट हम एवं आप डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस फॉलोअप करेंगे एंड अल्टीमेटली आपको नुआ नुआ अलग अलग टाइप अमाइन एसिड्स मिल जाइए। तो यहाँ गोटे रहा बेसिक जिनस जो थे कि आम रिएक्शंस को स्टार्ट कर दे परबा बाय द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामेट एंड ग्लूटामिन जो माने कि एंट्री पॉइंट हमको प्रोवाइड करंती। देन हमें नेक्स्ट देखिबा जते सब आपण रिएक्शंस देखु जंती लाइक अमाइन एसिड प्रोड्यूस करिवार रिएक्शंस देखु जंती तो सेथिने हमको कोन दरकार गोटी प्रकार रो एक्सेप्टर दरकार गोटे डोनर दरकार एवं या भितर जदि आपण गोटे एग्जांपल नेकी देखिबे सपोज धरि दियंतु आपण पाखरे गोटे अमाइन एसिड अछि तो ए अमाइन एसिड टी कोन करे डोनर परिका काम करियो बिकॉज ये तारा अमीन ग्रुप को डोनेट करिवो। नेक्स्ट गोटे ग्रुप रहला जे कि अमीन ग्रुप को एक्सेप्ट करिवो सो अमीन ग्रुप को एक्सेप्ट करिया पे एठी आपण कर कुहा जाय से कंपोनेंट को अल्फा कीटो एसिड बेली कुहा जाय जे कि एक्सेप्टर परिया का काम करे एवं जोटा ट्रांसफर हबो अमीन ग्रुप। तो आपको ये तीन टा जिनस दरकार एक तो आपको गोटे एक्सेप्टर दरकार सेकेंड आपको गोटे डोनर दरकार एक्सेप्टर अमीनो एसिड फॉर्म रे थिवो जे कि निजर अमीन ग्रुप को डोनेट करिवो देन सेकेंड जिनस हला एक्सेप्टर जे कि से अमीन ग्रुप को एक्सेप्ट करिवो देन अल्टीमेटली आपको गोटे नुआ अमीनो एसिड मिल जिवो। तो पूरा प्रोसेस रे जदि आपण देखिबे आमे ऑलरेडी देखि सलेनी कि ग्लूटामेट जिनस को स्टार्ट करे ग्लूटामेट नुआ अमीनो एसिड मान को सिंथेसिस करिवार तयारी करे। तो सपोज धरि दियंतु एटा गोटे कीटो एसिड रो स्केलेटन रहिजे तो ये आप केमिकल ग्रुप देखिपे कीटो एसिड रहा गोटे स्केलेटन रही है कीटो एसिड कौन बिकज सी डबल बॉन्ड ओ अच्छी तो कीटो एसिड रहा गोटे स्केलेटन कीटो एसिड रही फॉर्म रे ये काम कर एज अ एक्सेप्टर। तो वर्तमान आम आपको कीटो एसिड कहीं कह बिकज या पाखे गोटे कीटोन ग्रुप रही तो आपको आम कीटो एसिड बोली कह कीटो एसिड कौन कर गोटे प्रकार एक्सेप्टर करम करमी एक्सेप्ट कर एक्सेप्टर करम करजे गोटे अमीन ग्रुप को एक्सेप्ट कर कैपेसिटी या पाखे अच्छी वर्तमान से अमीन ग्रुप प्रोवाइड किए कर डोनर प्रोवाइड कर डोनर किए आसगला ये आप ग्लूटामेट बिकज ऑलरेडी आप ग्लूटामेट को सिंथेसाइज करके रखिंट तो जो गोटे नुआ अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करा आसे ग्लूटामेट से जगह डोनर पर काम कर ग्लूटामेट्र स्ट्रक्चर देखिए यहाँ रहा आप ग्लूटामेट्र स्ट्रक्चर एटी रहा आप अमीन ग्रुप देखिपुट सो ए अमीन ग्रुप टी आसीज आपर डोनेट हम कौटी डोनेट हम कीटो एसिड पाक डोनेट हम। तो बर्तमान टी स्ट्रक्चर को देखो आप कीटो ग्रुप देखी कि ओके सो कीटो ग्रुप रे आपण देखिथिले एटी कार्बोक्सिलिक एसिड थिला कीटोन ग्रुप थिला केवल एठी आपणकर रहिला डोनर पाखरे रही जाइछि अमीन ग्रुप। तो जेतेबेले ट्रांसफर हबो जेतेबेले आपणकर माने अमीन ग्रुप टी डोनर पाखरु एक्सेप्टर पाखरु आसीबो ई अमीन ग्रुप टी आसीके एसोसिएट हेइजिवो ए जगह रे ठीक अछि। तो वर्तमान कीटो ग्रुप कीटो एसिड जोटा आपण देखिथिले बा पट साइड रे से कीटो एसिड वर्तमान कन्वर्ट हेगला कोठी कि अमाइनो एसिड को ठीक अच्छे आपड़ देखिपे कि सी डबल बॉन्ड रो डबल बॉन्ड ओ वाला कौन से फंक्शनल ग्रुप ये ना तो अमीन ग्रुप ये आसिक लगी जाइए तो सांगे आ गए हाइड्रोजन ग्रुप भी आसिक लगे सो कीटो एसिड कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड नाउ दिस वन इज अ न्यू अमाइनो एसिड डिपेंड करुच्छे कि फंक्शनल ग्रुप ताकि कौन लगी हिसाब से ना कह बाकी फंक्शनल ग्रुप तो समस्त मैंने डिफरेंट थाए तो आम कहीपरबानी सो ए टाइप रो गोटे नुआ अमाइनो एसिड तैयारी है बाकी डोनेट कर सारा पर ग्लूटामेट कन्वर्ट हो अल्फा कीटो ग्लूटारेट को तो मैंने चिंता करूँ जो स्टार्टिंग प्रोसेस जोटा था अल्फा कीटो ग्लूटारेट ग्लूटामेट को सिंथेसाइज करता जब पुणी थे प्रीवियस स्लाइड को जी ये सो अल्फा कीटो ग्लूटारेट को ये आप देखिपड़ सो अल्फा कीटो ग्लूटारेट ही ग्लूटामेट को सिंथेसाइज करता सो दैट कि ए सेम ग्लूटामेट नुआ अमाइनो एसिड मानक सिंथेसाइज कर। तो जितेबाड़ ए सेम ग्लूटामेट नुआ अमाइनो एसिड मानक सिंथेसाइज करजे अल्टीमेटली पुणी थे ग्लूटारेट को ही कन्वर्ट हो तो से सेम प्रोसेस रे माने प्रथम स्टेप रे अल्फा कीटर कीटो ग्लूटारेट ग्लूटामेट को सिंथेसाइज कला सेकेंड प्रोसेस रे जदि आपण देखिबे ए सेम ग्लूटामेट कौन करुची गोटे कीटो एसिड को निजर अमीन ग्रुप को डोनेट करुची सो कीटो एसिड एठी रहिला निजर अमाइन ग्रुप को एठी डोनेट कला नुआ अमाइन एसिड को सिंथेसाइज कला एवं निजे पुणी थरे अल्फा कीटो ग्लूटारेट को कन्वर्ट हो गला। तो ए पूरा प्रोसेस को कहा जाए ट्रांस अमिनेशन दैट मीन्स आपण गोटे अमीन ग्रुप को ट्रांसफर करुचंती गोटे डोनर पाखरु गोटे एक्सेप्टर पाखरु टू प्रोड्यूस अ न्यू अमाइनो एसिड एथिरे डोनर आपणकर काम करुची ग्लूटामेट एवं एक्सेप्टर एठी रहला आपणकर कीटो एसिड एवं ए जो एंजाइम्स माने थांदी जो माने ए प्रकार रो रिएक्शन को कंडक्ट करिवार हेल्प करंती एमानको कहा जाए अमाइनो ट्रांसफरेजेस किंबा एमानको ट्रांस अमिनेजेस बेली कहा जाए। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पाथवे इन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म और अमाइनो एसिड एनाबॉलिज्म आपण कहि दे परबे बिकॉज़ आम ये अमाइनो एसिड्स को बनाऊे
ତ ଯେତେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆମାଇନୋ ଏସିଡ୍ସ ବନାନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମାଇନୋ ଏସିଡ୍ସ ମାନେ ଗ୍ଲୁଟାମେଟ୍ ପାଖରୁ ହିଁ ନିଜର ଆମାଇନୋ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ନିଜର ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଗ୍ଲୁଟାମେଟ୍ କନ୍ଭର୍ଟ ହୋଇଯାଏ ନିଜର ପ୍ରିକର୍ସର୍ ଫର୍ମକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଲଫା ଗିଟୋ ଗ୍ଲୁଟାରେଟ୍। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ କି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ କେଉଁ ହିସାବରେ ନିଜର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି, ବିକଜ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ କେଉଁ ହିସାବରେ ନିଜର ମାନେ ଯାହା ବି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଶୋ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ କାର୍ବନ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ କାର୍ବନ୍ ବି ଆମକୁ ଦରକାର, ଏବଂ କାର୍ବନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଥାଏ ମାନେ କାର୍ବନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଲାଇକ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମେଟାବଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ସ, ଏବଂ ସେଇ ମେଟାବଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପାଥୱେରେ ହୋଇପାରିବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର TCA ସାଇକେଲ୍ରେ ହୋଇପାରିବ, କିମ୍ବା ଫସ୍ଫୋପେଣ୍ଟୋଜ୍ ପାଥୱେରେ ବି ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତି ଆଲଫା କିଟୋଗ୍ଲୁଟାରେଟ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟାକି TCA ସାଇକେଲ୍ରେ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍, ତ ସେମିତି ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ର ବି ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କାର୍ବନ୍କୁ ଡୋନେଟ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ TCA ବି ହୋଇପାରିବ, କିମ୍ବା ପେଣ୍ଟୋଜ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ପାଥୱେ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ କାର୍ବନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଦେୟାର୍ ଆର୍ ଟୋଟାଲ୍ 7 ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ କାର୍ବନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର୍, ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କାର୍ବନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଆମାଇନୋ ଏସିଡ୍। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲିସେରେଟ୍ 3 ଫସ୍ଫେଟ୍, ଦେନ୍ ପାଇରୁଭେଟ୍, ଦେନ୍ ଆଲଫା କିଟୋଗ୍ଲୁଟାରେଟ୍, ଅକ୍ସାଲୋ ଏସିଟେଟ୍, ରାଇବୋସ୍ 5 ଫସ୍ଫେଟ୍, ଫସ୍ଫୋଇନୋଲ୍ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଏରିଥ୍ରୋସ୍ 4 ଫସ୍ଫେଟ୍। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଲାଇକ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଦେ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ଅ ପ୍ରାଇମେରି କାର୍ବନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଆମାଇନୋ ଏସିଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍। ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କି କେଉଁ କେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ୟା ଫିର୍ କେଉଁ କେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି, ତ ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ତ ଆମେ କାର୍ବନ୍ର ରିସୋର୍ସେସ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଯେତିକି ସବୁ ଆପଣ ୟେଲୋ ବକ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ବନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍। ତ ଆମାଇନୋ ଏସିଡ୍ସ ମାନଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ମାନେ ପାଥୱେ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ 6 ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ସବୁତକ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଉଛି। ସୋ ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି ସପୋଜ୍ ଧରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଆରୋମେଟିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବି। ସୋ ଏରିଥ୍ରୋସ୍ 4 ଫସ୍ଫେଟ୍ ଏବଂ ଫସ୍ଫୋଇନୋଲ୍ ପାଇରୁଭେଟ୍, ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଆରୋମେଟିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରକୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଦେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସେସ୍ ଟ୍ରିପ୍ଟୋଫାନ୍, ଫିନାଇଲ୍ ଆଲାନାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇରୋସିନ୍, ବିକଜ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଦ ଆରୋମେଟିକ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆରୋମେଟିକ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଥାଏ। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆରୋମେଟିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏରିଥ୍ରୋସ୍ 4 ଫସ୍ଫେଟ୍ ଏବଂ ଫସ୍ଫୋଇନୋଲ୍ ପାଇରୁଭେଟ୍ ନିଜର କାର୍ବନ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଥାନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଅର୍ ଆରୋମେଟିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ରୁ ତିଆରି ହୁଏ ରାଇବୋସ୍ 5 ଫସ୍ଫେଟ୍, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ପେଣ୍ଟୋଜ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ପାଥୱେ ଥ୍ରୁରେ ତିଆରି ହୁଏ, ଏବଂ ରାଇବୋସ୍ 5 ଫସ୍ଫେଟ୍ରୁ ବନେଇ ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟିଡ଼ିନ୍। ନାଓ ସୋ ଦିସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ ପାଥୱେ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ହିଷ୍ଟିଡ଼ିନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ତ ହିଷ୍ଟିଡ଼ିନ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ରାଇବୋସ୍ 5 ଫସ୍ଫେଟ୍, ଯିଏକି ହିଷ୍ଟିଡ଼ିନ୍କୁ ତିଆରି କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। 3 ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇଟିକ୍ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଉଛି ସେରାଇନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ତ ପ୍ରଥମେ ସେରାଇନ୍ ବନିବ, ସୋ ସେରାଇନ୍ ପରେ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲାଇସିନ୍ ଏବଂ ସିଷ୍ଟିନ୍। 3 ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରେଟ୍ ଯେତେବେଳେ କନ୍ଭର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଫସ୍ଫୋଇନୋଲ୍ ପାଇରୁଭେଟ୍କୁ, ଦେନ୍ ଫସ୍ଫୋଇନୋଲ୍ ପାଇରୁଭେଟ୍ରେ ଏକ ତ ଏମାନେ ଆରୋମେଟିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବନେଇବା ତିଆରି କରିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏମାନେ ପାଇରୁଭେଟ୍କୁ କନ୍ଭର୍ଟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମାଇନୋ ଏସିଡ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆଲାନାଇନ୍, ଭାଲାଇନ୍, ଲ୍ୟୁସିନ୍ ଏବଂ ଆଇସୋଲ୍ୟୁସିନ୍, ଦିସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଦେନ୍ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସାଇକଲ୍କୁ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବ, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବନିବ ଆଲଫା କିଟୋଗ୍ଲୁଟାରେଟ୍। ସୋ ଆଲଫା କିଟୋଗ୍ଲୁଟାରେଟ୍ରୁ ଯାହା ଯାହା ଆମାଇନୋ ଏସିଡ୍ସ ବନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ଲୁଟାମେଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୋ ଏଇଠି ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲୁଟାମେଟ୍, ଦେନ୍ ଗ୍ଲୁଟାମିନ୍, ଗ୍ଲୁଟାମିନ୍ ପରେ ପ୍ରୋଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆର୍ଜିନାଇନ୍। ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସାଲୋ ଏସିଟେଟ୍ ଆସିଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବିକଜ୍ ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ ପାଖରୁ ବାକି ଆମାଇନୋ ଏସିଡ୍ସ ମାନେ ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ସାଲୋ ଏସିଟେଟ୍ କନ୍ଭର୍ଟ ହେବ ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍କୁ, ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ରୁ ଆସ୍ପାରାଜାଇନ୍, ଦେନ୍ ମିଥିଓନାଇନ୍, ଦେନ୍ ଥ୍ରିଓନାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଲାଇସିନ୍। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସୋ ଟୋଟାଲ୍ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ସୋ ଟୋଟାଲ୍ 6 ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆମାଇନୋ ଏସିଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ଆର୍ ଦେୟାର୍। ଏବଂ ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ମାନେ ନିଜ ନିଜର କାର୍ବନ୍ ପ୍ରିକର୍ସର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ନିଜ ନିଜର ଆମାଇନୋ ଏସିଡ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆରୋମେଟିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଆମାଇନୋ ଏସିଡ୍ସ ଆସିଯିବ, ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଆମାଇନୋ ଏସିଡ୍ ମିଳିବ, ଗ୍ଲୁଟାମେଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଟୋଟାଲ୍ ମିଳିବ, ପାଇରୁଭେଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଟୋଟାଲ୍ 4 ଆମାଇନୋ ଏସିଡ୍, ସେରାଇନ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଆମାଇନୋ ଏସିଡ୍, ଏବଂ ହିଷ୍ଟିଡ଼ିନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଆମାଇନୋ ଏସିଡ୍। ତ ଏମିତି ହୋଇକି ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆମାଇନୋ ଏସିଡ୍ସ ମାନଙ୍କର ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଭିତରେ ହେଲା, ଆଉ କିଛିଟା ହୋଇଯାଏ ସାଇଟୋସଲ୍ ପାଖରେ। ଓକେ, ତ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ନୋନ୍ ଆସ୍ ଦ ଲାଇକ୍ ଆନାବୋଲିଜିମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯଦି ଆପଣ କାଟାବୋଲିଜିମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି,
जो हिसाब रे अमाइनो एसिड तैयारी हेतला लाइक आपण कार्बन प्रोवाइड करथिले ता संगे आपण नाइट्रोजन प्रोवाइड करथिले तो जते बेले आपण अमाइनो एसिड को डिग्रेड करिवे एक तो आपण को रिमूव करिया को पडिवो नाइट्रोजन को ता संगे आपण को कार्बन को रिमूव करिया को पडिवो तो जते बेले आपण नाइट्रोजन प्रोवाइड करथिले आपण गोटे अमीन ग्रुप को देथिले सेइथु जे कि अमीनो एसिड बनिथला तो प्रथमे जिन से हमको करिवार कोन अछि जदि हम नाइट्रोजन माने रिमूव करिया रे छ त हमको अमीन ग्रुप को रिमूव करिया को पडिवो एवं ताकू आमे पठाइ देबा यूरिया साइकिल को जोटा कि एक्सक्रीशन है कि बॉडी रु रिलीज आउट हे जीवो सेकेंड जिनस कौन जो सब कार्बन रिसोर्सेस आम कंट्रीब्यूट करते जो कार्बन मैंने को रिमूव करा पड़ो तो दुटा जिनस जो स्टार्टिंग में आम देखी कि जो मैंने आड होते कार्टाबोलिज्म से दुटा जिनस रिमूव होते सो दैट इज नोन एज कार्टाबोलिज्म प्रोसेस या भितर प्रथम आसी जाए आप रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड दैट रिमूवल कैन बी डन बाय ट्रांसामिनेशन एंड ऑक्सीडेटिव डीअमिनेशन ओके सो ट्रांसामिनेशन रे आपनकर अमीन ग्रुप टा ट्रांसफर हो जाए ऑक्सीडेटिव डीअमिनेशन रे आपनकर अमीन ग्रुप रिप्लेस हुए ट्रांसामिनेशन रे गोटे ग्रुप रु बाहर के आउ गोटे ग्रुप को पळेबो बट ऑक्सीडेटिव डीअमिनेशन रे गोटे कंपोनेंट रो अमीन ग्रुप बाहर के ता पाखरे आउ गोटे कंपोनेंट आसी लागिबो तो एठी दुटा प्रोसेस आसी जाउची अल्टीमेटली जहाँ भी तांकर प्रोडक्ट आसला दैट प्रोडक्ट विल एंटर इनटू यूरिया साइकिल बिकॉज यूरिया साइकिल इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेटिंग द नाइट्रोजनस कंपोनेंट एंड अमीनो एसिड इज अ नाइट्रोजनस कंपोनेंट सो दैट्स व्हाई जहाँ भी आपनकर आउटपुट प्रोडक्ट किमा आउट माने एंड प्रोडक्ट जहाँ भी एठी प्रोड्यूस हबो आफ्टर द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप दैट विल बी एलिमिनेटेड बाय द यूरिया यूरिया साइकिल जोटा कि आप लिवर थ्रू रे हुए देन कार्बन फॉर्म रिसोर्सेस जहाँ भी आड हो कार्बन स्केलेटन्स मैंने भी सही जगह डिग्रेड करेंगे और से निज निजर कार्बन मानक भी एलिमिनेट करेंगे तो आम ये देखा कि कौ टाइप अमाइनो एसिड्स मानक रिमूवल हो तो प्रथम जदि आम देखा अमाइनो ग्रुप रिमूवल केमती है तो प्रथम मानने दुटा जमी आम ऑप्शन देखिले कि एक तो ट्रांसामिनेशन हो पार कि ऑक्सीडेटिव डीअमिनेशन हो पार सो ट्रांसामिनेशन रे गोटे अमाइनो एसिड आपंकर डोनर थाए ये आपंकर एक्सेप्ट रहिबो कीटो एसिड एवं कॉमनली अल्फा कीटो ग्लूटा रे एठी थाए जे कि एक्सेप्टर परिका काम करे तो सपोज धरि दियंतु एटा आपंकर गोटे अमाइनो एसिड अछि तो जते बेले गोटे अमाइनो एसिड रे आपंकर एठी अमीन ग्रुप रहिला देन आपंकर हाइड्रोजन अछि देन एठी कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहिला देन आर ग्रुप रहिला तो आपण एठी अमीनो ग्रुप को एठी रिमूव कर देबे तो जते बेले रिमूव कले अल्टीमेटली आपंकर से प्रोसेस को कोन कहा गला डीअमिनेशन बेले कहा गला डीअमिनेशन परे वर्तमान जो कंपोनेंट आपनको मिलिबो से कंपोनेंट कोन मिलिबो गोटे कीटो एसिड आपनको मिलि जइबो ए टाइप रो सो गोटे कीटो एसिड मिली गला ओके एवं ये जो अमीन ग्रुप टी एटी रिमूव हला दैट विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय अल्फा कीटो ग्लूटामेट एवं एक अल्फा कीटो ग्लूटामेट है कि अल्टीमेटली से कौन बने देबो एटी जेकि ग्लूटामेट बने देबो माने जदि प्रथम रिएक्शन जदि गोटिए सिंपल रिएक्शन जदि आपण मन रखुचोंती ना से सेम रिएक्शन सबु जागा रे आपण को हेल्प करिवो प्रथम रु ही आम देखिले कि अल्फा कीटो ग्लूटामेट ग्लूटामेट को बनौचि ग्लूटामेट अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जितने गोटे नुआ अमाइनो एसिड को बनेबो तो सी गोटे पुणि थे अल्फा कीटो ग्लूटामेट को कन्वर्ट हो जाए सेम प्रोसेस आपको ये भी देखा मिलो जिते बड़े भी गोटे ग्लूटामेट ब्रेकडाउन हुए खास करके डोनर आउ एक्सेप्टर जो पेयरटा अच्छी मोस्ट अफ द केसेस आपको ग्लूटामेट आउ अल्फा कीटो ग्लूटामेट्र ही पेयर मिलो तो धरि दिखाँ गोटे ग्लूटामेट एवं तार आवश्यकता ना सेल भितर एवं ताको डिग्रेड होबार अच्छी तो सी कौन कर निजर अमीन ग्रुप को गोटे कीटो गोटे मानने अल्फा कीटो ग्लूटामेट को डोनेट करदेव तो अल्फा कीटो ग्लूटामेट से ही अमीन ग्रुप को लेकिन नुआ गोटे अमीनो एसिड्र कन्वर्ट हो जार ना है ग्लूटामेट एवं या भितर आपणकर पुराणा अमीनो एसिड डिग्रेड करगला नुआ अमाइनो एसिड ता भितर तैयारी होगा तो एटा रहला आपणकर गोटे अमाइनो एसिड पाखरे अछि अमीन ग्रुप सपोज धरि दिंतु एक्स अमाइनो एसिड एठी अछि ए अमाइन ग्रुप को आमे कोन करबा पठाइ देबा कहा पाखु को अल्फा कीटो ग्लूटामेट पाखु को जे कि गोटे एक्सेप्टर तो डी अमाइनेशन होगा सो अल्फा कीटो ग्लूटामेट को जेते आमे एठी ताको ट्रांसफर कर दउचे सो अल्टीमेटली दैट अल्फा कीटो ग्लूटामेट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट जो थी गोटे नुआ अमाइनो एसिड तैयारी हो जाए एंड आउ जो ये जो पुराना अमाइनो एसिड जी निजर अमीन ग्रुप को डोनेट करदे अल्टीमेटली दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कीटो एसिड ओके सो या भितर आपंकर ए टाइप जिनस मैंने पूरा ऑपरेट हुए खास करके जब आप देखिए डोनर तो आपंकर गोटे अमाइनो एसिड हो जाइपर जी निजर अमीन ग्रुप को डोनेट कर एक्सेप्टर मोस्ट ऑफ द टाइम ये जगह आपंकर कीटो एसिड हुए जोटा कि अल्फा कीटो ग्लूटामेट एंड अल्टीमेटली ये बनाए कौन ग्लूटामेट ही बनाए जो एंजाइम आ भितर इनवॉल्व हुए तार ना है अमीनो ट्रांसफरेस बट लाइसिन थ्रियोनाइन प्रोलाइन एम ट्रांसामिनेशन फॉलो करती ना बट ताक छाड़ी बाकी सब अमीनो एसिड मैंने ट्रांसामिनेशन फॉलो करती ऑक्सीडेटिव डीअमिनेशन कथा जब देखिए ये जगह कौन हुए अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाए कीटो एसिड को ये जगह आपंकर ट्रांसफर कौन से जिनसर हुए ना ये जगह रिप्लेसमेंट हुए केमती रिप्लेसमेंट है देखो प्रथम जब आप गोटे अमीनो एसिड को नेले सपोज धरी दिखाँ ये ग्लूटामेट को नहीं
ओके ग्लूटामेट पाखरे एठी अमाइनो ग्रुप अछि वर्तमान ए अमाइनो ग्रुप कोन कर ए जो अमाइनो ग्रुप टी आपण एठी देखु छेंती ग्लूटामेट रो ए अमाइनो ग्रुप रे आसी अमाइनो ग्रुप एठू हटि जिवो एवं ता जगह रे आसी की गोटे कीटो ग्रुप लागि जिवो ओके एठी देखले आपण कीटो ग्रुप लागि गेला त अल्टीमेटली जोटा आपण कर अमाइनो एसिड फॉर्म रे थिला वर्तमान सेटा कीटो एसिड फॉर्म को पड़ि आसला एवं ए अमाइनो ग्रुप टी आपण कर अमीन फॉर्म रे अमोनिया फॉर्म रे आसी जिवो कोठी की ब्लड सर्कुलेशन भितर को तो जते सब अमाइनो एसिड जते बले प्रोटीन जदी खाद्य आपण जदी बेसी खाउ जोंती ताले से जगह रे प्रोटीन्स माने कर डिग्रेडेशन हुए एवं कीटोन बॉडीज माने केटो केट माने प्रोटीन यूरिन रे बढ़ जांती दैट इज बिकॉज़ ऑफ दिस वन कीटोन एसिड्स माने कर कंसंट्रेशन सेति पे इंक्रीज करि जाय तो कीटो एसिड एति तयार हला ता संग रे आपण कर अमोनियम तयार हला तो अमोनियम वर्तमान ए अमोनियम के चली जबो कोठी के यूरिया साइकिल कोठी जोटा के आपण कर लिवर सेल रे जोटा होची एलिमिनेशन तो ता थ्रू रे हुए लिवर ही तो डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन ना तो तारी पाखरे ही लिवर रे एलिमिनेट माने जति के सब नाइट्रोजनस प्रोडक्ट अछि से थ्रू ही एलिमिनेट हबो सो एठी रहला आपण कर अमोनिया देन आसी गेला एठी अमोनियम एंड अमोनिया एठी कन्वर्ट हे जबो अमोनियम को देन अमोनियम एंटर करबो एठी यूरिया साइकिल को वर्तमान यदि आपण यूरिया साइकिल को देखिबे सो यूरिया साइकिल रे एठी देखि दियंतु फास्ट करिके सो सपोज धरि दियंतु एठी आपणकर कार्बोमेल फास्फेट रहला ओके जस्ट अ सेकंड ओके तो अमोनिया ए जगह रे केमती यूरिया को कन्वर्ट होची कार्बोमेल फास्फेट रहला कार्बोनिल फास्फेट रे ए जगह रे आपणकर हम गोटे कंपोनेंट आसीगला जहाँ ना हला साइट्रोलिन सो कार्बोमिल फास्फेट एवं ऑर्निथिन एम दुई जन मिसिक साइट्रोलिन तैयारी करते जोटा कि माइट्रोकॉन्ड्रिया भितर तैयारी हुए साइट्रोलिन जिते बड़े आसीज साइटोसोल को दैट विल बी एसोसिएटेड विथ आस्पिरेटेड आस्पिरेटेड ये निजर नाइट्रोजेन को डोनेट करदेव जोटा कि यूरिया फॉर्मेशन पे हेल्प करे कंपोनेंट्स बन जिवो एठी आपनकर आर्जिनिनस ऑक्सिनेट एठी क्लीव हे कि फ्यूमारेट बनेबो एवं आर्जिनाइन बनेबो फ्यूमारेट जोटा कि साइट्रिक एसिड साइकिल रे इंटरमीडिएट तो से साइट्रिक एसिड साइकिल भितर को चली जिवो आर्जिनाइन एठी वाटर संगे मिसि कि बनेबो ऑर्निथिन एंड देन यूरिया तो जो आपनकर एस्पिरेटेड एठी डिग्रेड कला निजर नाइट्रोजेनस कंपोनेंट को से डोनेट कर देला तो जेते सब आपनकर अमीनो एसिड्स माने अछंदी खास करके ए प्रकार रही निजर नाइट्रोजेनस कंपोनेंट्स माने को डोनेट कर थांदे अल्टीमेटली अमोनिया कन्वर्ट हे जाय यूरिया को तो जेते बळे यूरिया आसी गेला आपनकर यूरिया वर्तमान ब्लड सर्कुलेशन रे एंटर करिवो चले जिवो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पई जोटि के आपनकर यूरिन फॉर्मेशन हुए छटा हमें ऑलरेडी डिस्कशन करी सारी छे सो सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन रे तार फिल्ट्रेशन हबो प्यूरिफिकेशन हबो यूरिन फॉर्मेशन हबो एवं अल्टीमेटली एक्सक्रीशन रे बॉडी रे रिलीज आउट हे जिवो जदि आपण एठी देखिबे खास करके जोटा यूरिया साइकिल जोटा रहुची माने एटा खास करके रेस्पोंसिबल थाए जो अमोनियम ग्रुप अछि अमोनियम ग्रुप को यूरिया को कन्वर्ट करिवो एवं यूरिया को बॉडी रे रिलीज आउट करिवो जेहेतु नाइट्रोजनस कंपोनेंट गोटे माने टॉक्सिक कंपोनेंट्स भितरे जाउची तो जत्ते बेसी बेसी हमें एमान को रिमूव आउट करिवो हम बॉडी रो हेल्दी कंडीशन सेते मेंटेन हे कि रहिवो तो वान्स गोटे अमाइनो एसिड डिग्रेडेशन हैला तार जहाँ भी अमीनो ग्रुप अच्छे से अमीनो ग्रुप मैंने ए प्रकार फॉर्म रे यूरिया को कन्वर्ट होता ऑर्निथिन साइकिल कि यूरिया साइकिल बोली कहते पारे सो यूरिया वर्तमान सर्कुलेशन देखिए यूरिन थ्रू फॉर्मेशन थ्रू रे बॉडी रिलीज आउट हो जाए तो ये तो आम देखीदे कि नाइट्रोजन को कमी आम कम्प्लीटली रिमूव आउट करवा नेक्स्ट जदि आम देखा कि कार्बन रो सोर्सेस मैंने अच्छा से कौ टाइप कन्वर्ट हे तो सपोज धारी दियंतु एमानको अच्छा जिते सब एंड प्रडक्ट्स मैंने अच्छा ये एंड प्रडक्ट्स मैं वन टू थ्री फोर करके चारिटा एंड प्रडक्ट्स डिवाइड कर सो एसिटिल को ए देन आल्फा कीटो ग्लुटारे देन सक्सिनिल को ए एंड ऑक्सलो एसिटेट तो जितेबाला आस्पिरेटेड एवं आस्पारजाइन एम डिग्रेडेशन हुए एम ब्रेकडाउन हुए तो एमकर कार्बन रिसोर्सेस कन्वर्ट हो जाती ऑक्सलो एसिटेट को मिथियोनाइन आइसोल्यूसिन एवं वालाइन दे प्रोड्यूसेस सक्सिनिल को एंजाइम ए ऑन डिग्रेडेशन आर्जिनिन प्रोलाइन हिस्टिडिन ग्लूटामिन सॉरी ग्लूटामेट एंड ग्लूटामिन दे प्रोड्यूसेस अल्फा कीटोग्लूटारेट ऑन डिग्रेडेशन देन जदि आप देखिए लाइसिन ट्रिप्टोफान टायरोसिन फिनाइल ल्यूसिन दे प्रोड्यूसेस एसिटिल कोलाइन बट एम केस पाइरुवेट इंक्लूड हुए ना आउ गोटे जिनस आसला अलानाइन सेराइन ग्लाइसिन सिस्टीन थ्रियोनाइन एम एसिटिल को ए को कन्वर्ट होता ऑन डिग्रेडेशन बट यही जगह आपको पाइरुवेट को इनक्लूड करने को पड़ो तो जमी आम नाइट्रोजेन को डिग्रेड कले नाइट्रोजेनस कंपोनेंट्स मानक डिग्रेड कले एंड अल्टीमेटली से नाइट्रोजेन्स मानक बॉडी रिलीज आउट करेंगे सेमती कार्बन रही बहुत गुड़ी जो रिसोर्सेस मैंने अच्छे जो मैंने कंट्रीब्यूट करते ड्यूरींग द अमाइनो एसिड एनाबोलिज्म प्रोसेस
कैटाबॉलिज्म प्रोसेस रे फिर माने पुन थरे निजर पुरना स्टेज को फेरि जांती एवं एक थी कि चारि प्रकार रो एंड प्रोडक्ट बने अल्टीमेटली माने कर जहा भी मेजर सब साइक्लिक पाथवे होछ से माने एंटर करि जेबे ए जति के सब अपन देखु छन सब तक प्राय टीसीए साइकिल संगे रिलेटेड करु छी एसिटिल को ए अल्फा केटोग्लुटारेट सक्सिनिल को एंजाइम ऑक्सलोएसिटेट दे ऑल आर द इंटरमीडिएट्स ऑफ टीसीए साइकिल तो गोटे जितेबले भी अमाइनो एसिड डिग्रेड कर एक तो निजर अमीन ग्रुप को पठेदेला यूरिया साइकिल थ्रू रे बॉडी टू एलिमिनेट करदेला जब निजर कार्बन सोर्सेस मानक पॉइंट थे वापस फेरेदेव टीसीए साइकिल को सो ये रहीगला आपंकर कार्बन स्केलेटन मानक कैटाबॉलिज्म सो दिस इज ऑल अबाउट योर अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म मुशा करुच्ची कि भिडियोटी आपको हेल्पफुल रही है और जहाँ भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स अच्छे मेजर पॉइंट्स अच्छे से सब जिन आपको बुझी आसी जदि किसी डाउट अच्छे आपत क्वेश्चन पचारि करेंगे ट्राए करी कि आहरी सिंप्लीफाइड वे एक्सप्लेन करने। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी गुड डे, बाय बाय।